सोचो कि आपकी जिंदगी कैसी होगी अगर आप किसी भी चीज पर ना नहीं करें तो। एक ऐसी जिंदगी जहां आपको हर सवाल के जवाब पता है और जवाब है हाँ। एक ऐसा शब्द जिसके जवाब में ना नहीं कहा जा सकता। ओह, ये लड़का जो गिर रहा है वो रूडी है। उसे ना कहना पसंद है और अगर उसके साथ कुछ भी अजीब हो जाए तो वो सिर्फ उसके सपने में होगा। रूडी अपने सपनों में फिर से उड़ रहा था। उसे ऐसे अजीब से सपने काफी समय से आ रहे हैं, पर उसे जरा भी नहीं पता कि क्यों। बाकी सबकी लाइफ बहुत मजेदार लगती है, दिलचस्प और नए एक्सपीरियंसेस से भरी हुई, जबकि वो बस घर बैठकर जेलस हो सकता है। पर ज्यादा समय के लिए नहीं, उसके सपनों वाला आदमी जादू से रूडी के कमरे में आ गया। उसके बात से लग रहा है कि वो बहुत सीरियस है, वैसे ही जैसे कोई दूसरा इंसान बाघ के साथ सीरियस लगता है। उसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है और उसका वादा है कि उसे साइन करने से रूडी की लाइफ बदल जाएगी। रूडी ने तुरंत उस पे साइन कर दिया। हर पेज पर शर्तें आसान थी, हमेशा हाँ कहना है। जब उसने पूछा कि वो उसे कुछ पैसे उधार देगा, रूडी ने कहा हाँ। पहला काम है कार्ड को शेक करना, और क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। इस तरह यह अजीब सी कहानी शुरू हो गई। रूडी की जिंदगी तुरंत बदल गई। उस अजीब स्ट्रेंजर के गायब होने के कुछ घंटे बाद ही रूडी होमवर्क करने लग गया, और हर टीनेजर की तरह उसे वो करने में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। तभी उसके दोस्त का कॉल आया। ली ने रूडी को बेस जंपिंग करने के लिए बुलाया, जबकि रूडी ऊंचाई से बहुत डरता है। वो हाँ कह देता है। जैसे ही उसने ऐसा किया, वो अजनबी फिर से वहाँ आ गया। वो कहता है कि वो रूडी के लिए उसका होमवर्क कर देगा, क्योंकि रूडी ने जंप के लिए हाँ कहा। अब रूडी डरा हुआ नहीं है, वो खुश है। ली विश्वास नहीं कर पा रहा कि रूडी सच में आ गया और कहता कि वो जंप करना चाहता है, हालांकि देखकर लग रहा है कि बिल्कुल नहीं करना चाहता। आखिर वो घड़ी आ ही गई। रूडी काफी ऊंचाई से सीधा कूद गया। इससे उसका ऊंचाई का डर खत्म नहीं हुआ। वो लगातार उसे नीचे उतारने की रिक्वेस्ट कर रहा था, पर ली उससे काफी इम्प्रेस हो गया। और जब उसने पूछा कि रूडी को जंप पसंद आई, रूडी ने कहा हाँ, तो ली ने कहा कि वो हर वीकेंड बेस जंपिंग के लिए जा सकते हैं। पर एक चीज जिसके लिए रूडी खुश था वो ये कि उसका होमवर्क पहले से ही हो चुका है, पर स्ट्रेंजर ने वो होमवर्क अपने ही स्टाइल में किया है, इसलिए रूडी को वो फिर से करना पड़ेगा। इन सारे लोगों को देखो, वो आदमी किताब बेच रहा है और बहुत सारे लोग उसे खरीदना चाहते हैं, पर अचानक से रूडी को चुन लिया जाता है। रूडी को ये सब अटेंशन पसंद नहीं है, पर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि उसे उस लड़के के पास जाना होगा। और अचानक से एक कमाल होता है, वो लकी हजारवां शॉपर है, उसे गिफ्ट मिलता है। वो किताब काफी मजेदार थी। वो उन लोगों के लिए गाइड बुक है जो एक्टर बनना चाहते हैं। तभी कुछ बहुत अजीब होता है। सड़क पर एक डायरेक्टर ने रूडी को देखा और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। रूडी बिल्कुल उसके एक्टर की तरह लगता है जो बीमार हो गया है। वो सीधा उसके पास गया। उसने पूछा क्या रूडी उसकी मूवी में काम करना चाहता है। जाहिर है रूडी पहले तो कंफ्यूज हुआ, पर तभी स्ट्रेंजर फिर से वहां आ गया, जैसे उसे कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाने आया हो। तो रूडी ने रूल के लिए हाँ कह दिया। उसे वो किताब जल्दी पढ़नी होगी। बदकिस्मती से किताब ने उसकी कोई मदद नहीं की। स्क्रिप्ट कहती है कि रूडी को ना कहना होगा, बार बार उस मना किए हुए शब्द को दोहराना होगा, पर वो कर नहीं पाया। वो बस सर हिलाता और बार बार हाँ कहता। बहुत सारे बेकार टिक्स, तो उसे बदले में 2 टिकट्स मिल गई मूवी की। क्या रूडी अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कंफ्यूज था? बिल्कुल, खासकर जब उसे एक टेस्ट मिला जिसमें सारे हाँ या ना के सवाल थे। वो बहुत आसान टेस्ट था, तो रूडी ने सोचा वो उसमें पास हो सकता है। पर तभी स्ट्रेंजर वहाँ आ गया उसे कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाने। उसने अपने मुंह से ही टेस्ट पेपर निकाला और रूडी से हर जगह हाँ लिखवाया, हालांकि वो नर्वस था।
रूडी बहुत उदास है क्योंकि वो जानता है कि उसने कुछ जवाब गलत दिए हैं। पर मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं उस दिन रूडी को बेस्ट स्कोर मिली। पर हाँ, शब्द हमेशा अच्छा नहीं होता, ये खतरनाक भी हो सकता है। रूडी को ये लंच के दौरान पता चला, वो खाने ही वाला था, पर तभी ली ने कच्ची फिशेस का डब्बा खोला और बोला कि वो अपना खाना बदल ले। जाहिर है रूडी ने हाँ कहा, स्ट्रेंजर को पूरा शो देखने को मिला। रूडी को फिश खानी पड़ी। और कहा कि उसने इससे बेहतर कभी कुछ नहीं खाया। और जब उसने फिशेस खा ली, ली जो अपने दोस्त की बहादुरी से खुश था, उसे पार्टी में बुलाता है रूडी के घर पर। रूडी को पहले कभी पार्टी में नहीं बुलाया गया, इसलिए उसने हाँ कह दिया। रूडी बहुत उदास है। सिर्फ हाँ कहना पागलपंती है। रूडी उन लोगों में से नहीं लगता जिन्हें साफ सफाई पसंद होती है। आमतौर पर वो अपनी मॉम की सफाई में मदद नहीं करता और वो ऐसे ही खुश है। पर इस बार उन्हें उससे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने खुद ही सफाई के लिए हाँ कह दी, बहस किए बिना ही। उसे इसमें काफी समय लग गया, पर आखिर में एक सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। जब उसने काउच के नीचे सफाई की, उस सारे कचरे में रूडी को 10 बक्स मिले जो उसने काफी समय पहले खो दिए थे, और वो उन्हें कब से ढूंढ रहा था। पर वो ज्यादा समय के लिए खुश नहीं रहा क्योंकि स्ट्रेंजर वापस आ गया और पिज्जा क्रस्ट के बदले वो $10 ले गया। रूडी बहुत नाराज था, पर उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। पर उसकी मॉम बहुत सरप्राइज थी और उन्होंने रूडी को शुक्रिया करने के लिए कुछ चॉकलेट्स भी दी। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। चॉकलेट से रूडी के दांत में दर्द हो गया तो उसने डेंटिस्ट के पास जाने के लिए हाँ कह दिया, जबकि उसका दांत नहीं चाहता था। रूडी की जिंदगी उस तरह से नहीं बदली जैसे वो चाहता था। वो पूरा दिन खुशी से बेड पर लेटना चाहता था, पर उसको एक मैसेज आया, एक लोकल गैलरी में ड्राइंग कोर्सेज हो रहे हैं, और सवाल के दो ही जवाब हो सकते हैं, ना और हाँ। क्या आप सोच सकते हैं रूडी ने क्या चुना होगा? रूडी आर्ट क्लास जा रहा था और रास्ते में वो एक लड़की से मिला। उसने कहा कि वो उसे वहाँ पहुँचने का रास्ता दिखाएगा। उन्होंने अच्छे से बात की और जब वो पहुँचे तो पता चला कि वो भी सेम क्लास में जा रही थी। क्या रूडी ड्राइंग में अच्छा है? खैर, अगर आप थोड़ा नजरिया बदले तो। पर कोई उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था और आखिर में एक मास्टरपीस बन गया। वो क्लास में बेस्ट स्टूडेंट था। वो लड़की और रूडी क्लास खत्म होने के बाद बातें करते रहे। ली ने अपने दोस्त को देखा और बात के बीच में घुस गया। उस लड़की ने ली का टैटू नोटिस किया और उसे वो बहुत पसंद आया, तो उसने रूडी से पूछा क्या वो भी एक टैटू करवाना चाहता है, और उसने कहा खैर आप सोच ही सकते हैं। जल्दी रूडी सैलून में था डर से कांपता हुआ, और उसका नया टैटू दिखाता है कि वो यस शब्द से कितना प्यार करता है। ली जो पार्टीज देता है वो हमेशा मजेदार नहीं होती, जो भी वहाँ जाता है वो बोर हो जाता है, पर लोग फिर भी आते हैं क्योंकि और कोई पार्टी देता ही नहीं है। ये भी एक बोरिंग पार्टी ही होती अगर वो पीले कपड़ों वाला अजीब सा आदमी नहीं आता। पहले वो काउच पर चढ़ा, फिर उसने अपना बैग निकाला, वही बैग जिसमें उसके पास रूडी का कॉन्ट्रैक्ट था। पता चला कि बैग में हर तरह का सामान है, और किसी ने नहीं पूछा कि ये सब कहाँ से आया। आखिर में स्प्रिंजर ने ट्विस्टर निकाला
जो रूडी को किताब के साथ फ्री मिला था, पार्टी मजेदार हो गई। पर पार्टी के बीच में रूडी के पेरेंट्स वापस आ गए, पर वो गुस्सा नहीं थे, वो खुश थे। वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनके बेटे के इतने सारे दोस्त हैं। तो उन्होंने भी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। हर किसी को बहुत मजा आ रहा था, जब तक कि स्ट्रेंजर ने रूडी को ये पूछना शुरू नहीं किया कि उसके साथ वो हॉटी कौन थी। रूडी की मॉम ने उसे जवाब नहीं देने दिया, पर रूडी ने उसी समय अपने डैड को बुला लिया। सीन बदल गया, रूडी की लाइफ सच में बहुत बदल गई। उसने कुछ शानदार करने का सोचा। उसने हिम्मत जुटाई और हालांकि वो नर्वस था, उसने कैटी को प्रपोज कर दिया। किस्मत से बॉक्स में कुछ नहीं था, शुक्र है उस येलो मैन का। रूडी की मजेदार स्टोरी आपको कैसी लगी? क्या आप सिर्फ हाँ कह पाएंगे? हमें कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ट्रूम ट्रूम पर कोई भी नई वीडियो मिस ना करें।